हेलो फ्यूचर आईटियंस, नो वन हैज ट्रेवल्ड द रोड ऑफ सक्सेस विदाउट क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स ऑफ फेलियर। जी हाँ, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने कभी फेलियर नहीं देखा हो, केवल सक्सेस देखी। हाँ बच्चों, हमारी जेई प्रिपरेशन में भी तो कभी ऐसा होता है कि कभी हमें फेलियर मिलती है, किसी दिन शायद बहुत अच्छा हमारा नहीं जाता है, पर उसके बाद हमें एक नए दिन नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करना चाहिए। इसके साथ हमारी जीत हमेशा पक्की है। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए उस टॉपिक पे जिसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट में। इसके अंदर बच्चों को विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से स्फीयर्स को कहां रखा, स्ट्रक्चर कैसे बना। और इस विजुलाइजेशन को आसान बनाने के लिए ही मैं आपके लिए कुछ 3D मॉडल्स भी लेकर आया हूँ, वीडियोस भी लेकर आया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो ये वीडियो देखेंगे, ये वाला सारा के सारा अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात हो रही है तो क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स के बारे में सोचते हैं। क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, आपको मैं एक बार बताऊं, हम लोग कभी रास्ते में फ्रूट वेंडर को भी देखें तो उसने अपने ऑरेंजेस को ऐसे सेट किया हुआ है कि वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हों। देख रहे हैं, क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ऑरेंजेस का ये फोटो है। यानी कि फ्रूट वेंडर ने भी कहीं ना कहीं क्लोज पैकिंग वाला दिमाग लगाया है। हालांकि उनको तो ये साइंस नहीं पता और आप अब सारी चीजें समझने वाले हैं। तो क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स के बारे में शुरू करने से पहले सोचते हैं क्लोज पैकिंग क्या है। तो क्लोज पैकिंग एक्चुअली में हम किसको मानेंगे? सबसे पहली बात अगर हम सोचें तो हम ये कहते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग बनाते हैं। अब नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग से आपको याद आ जाएगा आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं उनके स्ट्रक्चर का डिटरमिनेशन किसके बेसिस पे होता है? उनके ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन के बेसिस पे होता है, ठीक है। दूसरी बात, हम ये भी कहते हैं लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर तब बनता है जब हर पार्टिकल को मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स सराउंड करें, उनको टच करें, तो हम सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बना पाते हैं। इसीलिए हमने इसको बोला लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। अब एक और बात, हम ये भी चाहते हैं कि क्लोज पैकिंग ऐसी हो जिसमें कि कम से कम स्पेस छूटी हो, मैक्सिमम यानी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हो। अगर हम इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पैकिंग बनाएंगे तो भी तो हम उसको बोलेंगे क्लोज पैकिंग। जी हाँ, क्लोज पैकिंग के यही फीचर्स हैं जो हमने बातों बातों में सीख ली। अब क्लोज पैकिंग की बात हम लोग आज किस में करने वाले हैं? 3D में। तो क्लोज पैकिंग इन 3D की जब बात होगी तो हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाई जाएगी क्लोज पैकिंग इन 3D। तो क्लोज पैकिंग इन 3D का आधार है हेक्सागनल प्लेनर अरेंजमेंट। जी हाँ, जो आप लोग मेरे साथ पहले भी 2D पैकिंग में पढ़ चुके हैं, इसी हेक्सागनल प्लेनर अरेंजमेंट को आधार बनाते हुए हम दो तरीके की पैकिंग पढ़ेंगे।